आप इस तरह से बोल रहे हैं और मुझे शिवसेना और उसके पहले महाराष्ट्र आंदोलन के शुरुआती दौर के दिन याद आ रहे हैं, जब मुंबई केंद्र शासित प्रदेश होगी, जो इनिशियल प्रपोजल था केंद्र सरकार का, या फिर महाराष्ट्र में अभी उनको रहेगी। अदानी शासन लाना है यहाँ। जी, आपके दोस्त राहुल गांधी, दोस्त हैं आपके, कह सकते हैं वो अदानी के साथ अंबानी भी बोलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे का परिवार मुकेश अंबानी का अच्छा मित्र है, इसलिए वो अडानी पे टारगेट करते हैं, अंबानी आपको पे बताता हूं, नहीं। दोनों से हम हमारी दोस्ती है, ऑफ कोर्स अंबानी परिवार से, अडानी से भी दोस्त? अदानी से भी जान पहचान है, गौतम जी से जान पहचान है, उनकी फैमिली से जान पहचान है, काफी सालों से है, क्योंकि मुंबई में अगर कोई काम करता है, महाराष्ट्र में काम करता है, बिना शिवसेना से बनाए कैसे तो करेगा? नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट होना ये कोई गलत बात नहीं, इनफैक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और ज्यादा बनने भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बनने भी चाहिए। जी मुंबई पहले से अभी तक, इतिहास से लेके अभी तक, मुंबई एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना हुआ शहर है। यहाँ नाम को, सरनेम को ज्यादा महत्व नहीं है, यहाँ आपके एफर्ट्स को, मेहनत को, पसीने को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन दोनों में फर्क यही है, या अभी ऐसे हुआ है, अंबानी परिवार जो है, हमारी तीसरी पीढ़ी अभी उन्हें परिवार समझती है और वो भी हमें परिवार समझते हैं। धीरूभाई अंबानी साहब और मेरे दादाजी की दोस्ती थी, वो दुनिया को पता है, गहरी दोस्ती थी। फिर मुकेश अंकल, मुकेश जी और जो पिताजी है मेरे, उनकी यू कैन दोस्ती, कॉल हिम मुकेश ऑफ अंकल, कोर्स नहीं या फॉर्मल ये इसमें जी, जो हमारी तीसरी पीढ़ी की दोस्ती है, एक स्कूल में थे, ये सारी दोस्ती तो है, लेकिन हमने जब भी दोस्ती और परिवार का नाता निभाया है, हमने सिर्फ ये भी देखा है कि कहीं हमारे राज्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी दोनों में फर्क यही हम जानते हैं, और यही हम अदानी जी से पे कहते हैं, उनके ग्रुप से कहते हैं कि मुंबई को लूटो मत, अगर मुंबई में आप कुछ करना चाहते हो और बड़ा बनना चाहते हो, दुनिया के सबसे बड़े या अमीर आदमी बनना चाहते हो, पूरे सहमत हैं हम, पूरा बैकअप देंगे। अंबानी परिवार ने जो किया है, जामनगर में प्लांट है, देश में हर राज्य में उनका कुछ ना कुछ है, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मुंबई में अगर आप देखें, महाराष्ट्र में देखें, तो पाताळगंगा हो या मुंबई में NMACC जैसे देश का सर्वोत्तम कन्वेंशन सेंटर बना है, सबसे अच्छी स्कूल देश में की यहाँ BKC में बनाई है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्होंने यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में निर्माण तो की है। ठाकरे परिवार ने अंबानी को चुना, अडानी को नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि वो कोई दुश्मन या दोस्त इसलिए नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट है। आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो, जैसे अच्छी स्कूल हो, सबसे अच्छा हॉस्पिटल देश का यहाँ मुंबई में अंबानी जी ने खोला हुआ है, स्कूल है, कन्वेंशन सेंटर है, मॉल है, जितनी जॉब क्रिएशन उन्होंने यहाँ मुंबई में की है, हमारे भूमिपुत्रों के लिए की है, उतनी अदानी जी भी करें, हम खुश हैं। लेकिन आज जो झगड़ा है अदानी जी से, वो किस बात से हुआ? झगड़ा तो हुआ नहीं है, जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विचारधारा धारावी से जो अलग हो गई है, वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और ये इसीलिए उद्धव ठाकरे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सत्ता में आते ही स्क्रैप कर देंगे। नहीं, मैं आपके पिताजी को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल पार्टी के मुखिया हैं, तो बिल्कुल घर के बड़े का कहाँ ज्यादा वजन रखेगा। अगर मैं कहूंगा आदित्य ठाकरे कहते नहीं, हैं नहीं, तो समर्थक हम कहेंगे, कह रहे उनके पिताजी ने खाया, वो उन्हीं की तो पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं, उसी का तो प्रचार करते हैं। लेकिन आदित्य जी, ये सवाल शुरू हुआ था दिशा सालियान केस से, आपने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी, क्या स्टेटस है सर? मुझे पता नहीं, मैं उसमें जाता भी नहीं हूँ, लेकिन एक ही बात है, मैंने कहा एक राजनेता पर इतने गंभीर इल्जाम दूसरे राजनेता लगा रहा है तो पब्लिक बहुत सारी बातें करती है, और बातों का सबसे अच्छा अंत हमारे मामले में ये है कि जिससे जुड़ी बात है उससे सीधे पूछ लिया जाए। मैं आपको यही क्या बात दिशा सालियान को जानते मैं थे? आपको यही बात कहता हूँ, साफ बात कहता हूँ जी, कि ये गंदगी जो है BJP ने क्यों फैलाई, क्योंकि वो हमारी सरकार को नीचे खींचना चाहती थी। फिर वो शायद वो पालघर का मामला हो, या मुझे खींचने की बात हो, या फिर किसी को अंदर डालने की बात हो, जिस चीज को BJP डरती है, उन्होंने SIT बनाई है, बनाने दीजिए ना, दिसंबर मैंने तो यही कहा है। आप देखिए, अगर है। अगर मैं एकनाथ शिंदे जैसे डरता तो मैं उनके साथ नहीं लड़ता, लड़ने की जो हिम्मत है मुझे, ताकत है मुझ में, क्योंकि मैं सच्चाई की ओर हूं। और यही मैं कहता हूं, जिस चीज से भाजपा डरती है उसके पीछे ऐसे कुछ लगाती है, वो उनकी बात है, मैं तो लड़ते रहूंगा, मेरे मुंबई के लिए लड़ते रहूंगा, मेरे महाराष्ट्र के लिए लड़ते रहूंगा। सो यू आर सेइंग कि ये आपके कैरेक्टर को असैसिनेट कर, बिल्कुल कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी शुरू किया था कि मैं पप्पू नंबर 2 हूं, तो मैंने कहा ठीक है, पप्पू नंबर 2 तो हूं, जो आप बोलते हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उस बात पे, मुद्दे की बात करो और मुझे, मैं गलत हूं मुझे दिखाओ। मुझे फिर वो पेंगुइन के ऊपर भी टोका है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पेंगुइन कॉल यू बेबी पेंगुइन, यस, बिकॉज मैंने पेंगुइन मुंबई में लाए, उसी पेंगुइन की वजह से आज ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन क्या ऐसी बात जो मैं कर रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय कर सकते हैं चीता के बारे में?
तो यही बात है सौरभ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार आने से पहले भी बाद में भी जो ये सारी बातें कहते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की हो, नीचे खींचने की हो, पीछे खींचने की हो, जिस चीज़ से भाजपा डरता है वो ऐसी बातें करता है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है आगे से वार करें।